जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड डिजिटल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। लौकिक आकर्षण का अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक प्रभु श्री कृष्ण की झलक की प्राप्ति नहीं होती। उसके पश्चात तो संपूर्ण जगत ही मिथ्या प्रतीत होने लगता है। प्राण छटपटा उठते हैं उन प्राण प्रियतम से मिलने को। यह सत्य घटना इतनी मार्मिक है कि कोई भी भक्त स्वयं को प्रभु के रूप माधुर्य में डूबने से बचा पाने में समर्थ नहीं होगा। जो इसके मर्म को समझ सकेगा वह एक आदर्श प्रेम का अधिकारी ही होगा। श्री प्रमोद कुमार जी चट्टोपाध्याय के जीवन काल की यह सत्य घटना है जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। वह प्रभु प्रेम के इतने रसिक हैं कि मथुरा वृंदावन घूमने के लिए आते जाते ही रहते हैं। इस बार वृंदावन में राधाबाग के ब्रह्मचारी आश्रम में वह ठहरे हुए थे। दूसरे दिन बादलों से भरी सांझ के समय में उन्होंने यमुना तट पर घूमने का निश्चय किया। वहां वनचारी साधुओं के आश्रम हैं, उनके आसपास ही वे घूम रहे थे। सामने यमुना फैली हुई थी, उसके उस पार बहुत दूर तक उसकी तटभूमि इस प्रकार फैली हुई थी कि बीच बीच में एक दो पेड़ ही दिखाई देते थे और सुदूर प्रांत तक वृक्ष श्रेणी का गाढ़ नीलाव रेखा दुगदिंत तक व्याप्त थी, आकाश के साथ मिल रही थी। क्षितिज का ऐसा अद्भुत दृश्य प्राय देखने को बहुत ही कम प्राप्त होता है। जहां वह बैठे हुए थे उससे कुछ दूर पर तीन अपूर्व विशाल वृक्ष खड़े थे। सुंदर सुपरिष्कृत तृणहीन भूमि पर लंबे लंबे तीन वृक्षों के मूल इस प्रकार एक समान अंतर पर विद्यमान थे कि एक सुंदर त्रिकोण क्षेत्र की सृष्टि हो रही थी। प्रकृति द्वारा रचित यह क्षेत्र बड़ा ही रमणीक था, मानो किसी योगी का आसन हो। वह क्षेत्र उस समय खाली नहीं था। देखा उसके भीतर कौपीनधारी एक मूर्ति अद्भुत भंगिमा के साथ बैठी हुई है। वह भंगिमा ऐसी चित्ताकर्षक थी कि वह स्वयं को उस ओर जाने से रोक न सके। प्रथम दृष्टि में ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह मूर्ति किसी वैष्णव एवं योगी की है। उसके बैठने का ढंग था भी किसी योगी जैसा ही। उपाध्याय जी की प्रकृति बचपन से ही कुछ ऐसी बन गई है कि साधु की मूर्ति के सामने आते ही वह सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। विशेषकर शांत धीर प्रकृति का कोई साधु हो तब तो उससे परिचय प्राप्त करने के लिए वह अधीर हो उठते हैं। लगता है मानो वे उनके जन्म जन्मांतर के अपने परिचित हों। इसी कारण इस बार भी वह जगह पर स्थिर न बैठ सके और उठकर निमिष मात्र में उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां देखी एक अद्भुत बालक मूर्ति, स्वास्थ्यपूर्ण सुडौल शरीर, उज्ज्वल गौर वर्ण, कौपीन मात्र वस्त्र। वह योगी बालक व्यासपुत्र परमहंस सुखदेव सा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर उपाध्याय जी निर्वाह अपलक रह गए। उन दिनों कुछ ठंड थी किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं था, शायद उसे इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। किंतु मार्मिक दृष्टि से उपाध्याय जी ने शीतबोध से अपना जो वस्त्र था वह उसके शरीर पर उड़ा दिया। उसकी अपलक दृष्टि यमुना की ओर निबद्ध थी, मुंह में कोई शब्द नहीं। सोचा वनचारी वैरागियों का कोई बालक भक्त होगा। साधु संप्रदाय में बालक ब्रह्मचारी बहुतेरे देखे हैं, पर ऐसी आंखें बहुत कम देखने में आती हैं। उस साधु मूर्ति के नेत्र अरुणवर्ण थे, उनमें जल झलमल कर रहा था मानो अभी अभी झर पड़ेगा। ऐसी किशोर साधु मूर्ति चट्टोपाध्याय जी ने भी अपने जीवन में पहली बार ही देखी थी। इसी समय एक व्रजवासिनी घाघरा चोली ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धार किए हुए आ उपस्थित हुई। उसके एक हाथ में एक थाल कपड़े से ढका था, निश्चय ही उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पेय था। अति कामनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भाव भंगी के साथ खड़ी होकर उसने धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी। वह बोली, दुलाल मेरे, अब कुछ खा तो लो, मैं अभी तुम्हें खिलाकर घर जाऊंगी,
फिर वहाँ का काम समाप्त कर संध्या समय पुनः यहाँ आऊंगी और तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। यह सब मधुर व्रज भाषा में कहकर वह उसके मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। उपाध्याय जी भी वहां एक अपरिचित व्यक्ति की तरह उपस्थित थे। इस ओर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, मानो उसके सामने उस किशोर के सिवा और कोई न हो। उसकी बातें इतनी मधुर थीं कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि कर रहा था। साधु में किंतु कोई भावांतर नहीं हुआ। वह जैसे अपलक यमुना की ओर ताक रहा था, वैसे ही ताकता रहा। यह देख उस व्रजांगना ने व्याकुल भाव से मेरे लाल कहते हुए उसके चिबुक का स्पर्श किया। उस समय वह ध्यानस्थ किशोर तनिक चौंका, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। फिर एक बार उस नवागता के मुंह की ओर देखकर वह बोला, चंपा मुझे ले चलो ले चलो, और ऐसा कहते कहते उठने लगा। जन्नी की तरह स्नेह से हाथ पकड़कर मधुर भाषा में वह ब्रजनारी बोली, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ खा लो, उसके बाद संध्या समय आकर तुम्हें ले जाऊंगी। इतना कहकर उसने थाल में से एक ग्रास उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। दो एक ग्रास ही उसने खाया, बहुत चेष्टा करने पर भी उसे और अधिक न खिलाया जा सका। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वह किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना के तटवर्ती वन की ओर देखने लगा। अब उपाध्याय जी की ओर ताक कर वह ब्रजवाला बिनती भरे करुण स्वर में बोली, बाबा यदि तुम कुछ देर यहीं रहो तो कोई हर्ज है? उनके उत्तर से वह बड़ी प्रसन्न हुई, किंतु फिर उस बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नयनों से बोली, कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि उसका सब समय ध्यान चलता रहता है, होश नहीं रहता। उसे खिला दो, नहीं तो उसका शरीर नहीं टिकेगा। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध बस, इससे क्या शरीर रह सकता है? उसके बाद चकित हरड़ी की तरह घूमकर उसने किशोर को देखा, कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल, तुम यहीं रहो, मैं घर जाती हूँ। मुझे तो अभी घर का काम करना है, सांझ को आकर तुम्हें ले जाऊंगी। अच्छा। किशोर निर्वाक समाहित चित्त अपने आसन पर बैठा रहा। व्रजनवासिनी का अंतर्धान भी कुछ विचित्र सा ही लगा। जब उपाध्याय जी उस ध्यानमग्न योगी मूर्ति की ओर देख रहे थे, तब जरा मुड़कर उसे एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में थाल लेकर जाते हुए देखा। उसके बाद वह आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कहां विलीन हो गई। वहां कोई पेड़ अथवा और किसी प्रकार की आड़ नहीं थी, यह उन्हें पूरा स्मरण है। लड़की का आना जाना और इस थोड़े से समय के लिए रहना, इस सबके भीतर जो कुछ देखा गया, उससे लगा कि वृंदावन के यमुना तट पर इस किशोर वैरागी को केंद्र करके एक महान आनंदमय अपार्थिव खेल चल रहा है। भक्ति और प्रेम से भरपूर अलौकिक बातें हम प्राय साधु महात्माओं के मुंह से सुनते ही रहते हैं, और कभी कभी मन में यह अभिमान भी होता है कि हम उनका तात्पर्य समझ गए। परंतु भगवान ही जानते हैं कि उसे समझने योग्य यथार्थ बुद्धि हम में कितनी है। अब वो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और सांझ होने को आई। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश वाकाश का कुछ भी कार्य उसके लिए इंद्रिय गोचर नहीं था। उपाध्याय जी की उस योगी बालक से बात करने की इच्छा प्रबल हो रही थी, इसी के चलते उन्होंने हरी हरी शब्द का उच्चारण इस तरह आरंभ किया जिससे उसे सुनाई दे जाए। उनकी यह इच्छा पूर्व हुई। उसने उनकी ओर देखा और वह बोले, बाबा जी तुम्हें क्या कष्ट है? वह धीरे धीरे बोला, कष्ट? मुझे तो कोई कष्ट नहीं, मैं तो वृंदावन में हूँ। जब मैं मथुरा में अपने घर पर था, तब माँ बाप भाई सब मुझे समझते ही नहीं थे, मुझे कितना मारते थे, मैं उनके मन माफिक नहीं हो सका ना, इसलिए। आह, अब वह बात की जरूरत नहीं। जरा रुक कर फिर बोला, वे यह नहीं जानते कि ईमान क्या चीज है, इसी से उन्हें डर था कि मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा और मैं काफिर हो जाऊंगा। वही तो लाडली, वही तो कन्हैया। यह कहते कहते उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। तनिक रुक कर फिर बोला, कितनी मेहरबानी गोविंद जी,
श्री राधा जी, राधा रा आह। बस और मुँह से कुछ न निकला। धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो गई जैसे संज्ञा शून्य होने पर होती है। उसके नेत्र वैसे ही अपलक थे, ऐसी अस्वाभाविक आंखें थीं कि उन्हें देखकर डर लगता था। उपाध्याय जी बस देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वह बोला, दोस्त तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? और व्याकुल भाव से उनकी ओर ताकने लगा। वह बोले, हाँ जानता हूँ। इतना सुनते ही महान उत्साह से बोला, तो मुझे वहाँ ले चलोगे? फिर न जाने क्या उसके मन में आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर तुरंत बोल उठा, ना ना वहाँ तो तुम जा ही नहीं सकते। व्रज रानी की दया हुए बिना वहाँ तो कोई नहीं जा सकता। मुझे तो चंपा सखी ही ले जाएगी, उसके आने में देर है ना। रुक रुक कर धीरे धीरे अतीब मृदु स्वर में उसने अपना यह वाक्य पूरा किया। योगी बालक बोला, राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे क्या? मुझे सुनकर बड़ा आनंद होता है। उनके हाँ कहते ही उसके मुख मंडल पर गहरे आनंद की पुलक, साथ ही उसके शरीर में एक अनिर्वचनीय सहरन की तरंग खेल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी जिसका वर्णन करना असंभव है। वे बोले, क्या कहूँ, वहाँ का आसमान प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम की ही हवा चलती है। बालक बोला, यह क्या कहने की बात है साधु जी, वहाँ सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हों। उनकी बातें गाना हर एक सुर ऐसा है कि कान में पड़ते ही बेहोश कर देता है। दोस्त थोड़ी देर भी वहाँ रहने पर आदमी पागल हो जाता है। आहा। कुछ क्षण स्थिर समाहित रहा और फिर बोला, वहाँ क्या रौनक है, उनका चेहरा अगर देखते संत जी, ऐसी मूरत है बस वहिस्त का रूप। उनके पाँव में पायल की आवाज कितनी तेज और मधुर है। आह मेरे कृष्ण जी, मेरी जिंदगी कामयाब। इतना कह वह आगे न बोल सका। उपाध्याय जी कुछ कहने ही जा रहे थे कि अतीब मृद स्वर में वह फिर बोला, बंसी पीठ में बैठे हुए उनकी बांसुरी सुनते ही बाबा जी वह तान जिंदा सुर जैसे छाती में बैठ जाता है। मैं जाऊंगा, वहां जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा, नहीं। झर झर अश्रु जल झरने लगा, वह निर्वाक हो गया। उसके सानिध्य में आनंद की अतिशयता से उपाध्याय जी की वह भी चैतन्य लोप जैसी अवस्था हो गई। किंतु उनकी वह अवस्था दीर्घ काल तक नहीं रही। उस किशोर योगी की प्रत्यक्षदर्शी शक्ति के लिए सब कुछ जीवंत सत्य से ओतप्रोत था। भला उसका इतना मर्म स्पर्शी वर्णन सुनकर कौन ऐसा पशु होगा जो वहां स्वयं जाकर प्रत्यक्ष दर्शन करने की तीव्र लालसा से अभिभूत न हो जाए। उपाध्याय जी उस योगी बालक से बोले, बाबा जी तुम्हारे जैसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, मुझ पर जया दया करोगे, मुझे भी कुछ दिखलाओगे? यह सुनकर बालक बोला, आह मेरे दोस्त, क्या मेरे लिए यह मुमकिन है? मुझ में क्या ताकत है, वहाँ तो चंपा सखी ही तुम्हें ले जा सकती है। वही मेरी गुरु है, वही मेरी आँख है, उसके बिना तो मैं अपने आप किसी तरह भी नहीं जा सकूँगा। इसी समय दूर चंपा की मूर्ति दिखाई दी। देखते ही वह किशोर, अब जाऊंगा, देखूंगा श्याम सुंदर राधा रानी को, कहता कहता मानो स्थिर हो गया। उसके नेत्र स्थिर और विस्फारित हो गए। आगे कुछ न बोल सका, एकदम भावाविष्ट अवस्था हो गई। इतने में चंपा पास आ गई। उसका रूप देखकर तो उपाध्याय जी भी स्तंभित हो गए। यह तो वह व्रजनारी नहीं जिससे वह सुबह मिले थे, वेशभूषा भी वह नहीं, वह तो एक अपूर्व ही वेश था। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में नहीं देखा गया। सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी न हो। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को स्पर्श करते ही वह उठ खड़ा हुआ। निर्वाक चंपा आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे बैरागी किशोर। धीरे धीरे उपाध्याय जी की आंखों के सम्मुख ही वे दोनों अंतर्धान हो गए। एक विलक्षण आच्छन्न भाव से जड़ीभूत होकर वह बहुत देर तक वहीं बैठे रहे।
दूसरे दिन संध्या से कुछ पूर्व वह वहां फिर से गए उसी स्थान पर जहां यमुना तट पर तीन वृक्षों के बीच त्रिकोण क्षेत्र में उस किशोर वैरागी का आसन था। आज वह आसन शून्य था, वहां कोई नहीं था। उसके पिता को अब सूचित करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसके पिता एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने उन उपाध्याय जी से मिलकर के अपने बच्चे का सारा वृत्तांत कह सुनाया था और वह उसे बहुत मारा पीटा करते थे क्योंकि वह श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित हो चुका था। वह अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। उसकी जो अवस्था थी लगभग 17 वर्ष की थी। उस योगी बालक के पिता का नाम था दादर रहमान जो एक कट्टर मुसलमान थे। उनका परिवार यह नहीं चाहता था कि वह बालक इस तरह हिंदुओं के धर्म में अपनी दिलचस्पी को रखे, परंतु वह अथक प्रयासों के बाद भी उस योगी बालक को न रोक सके। उसका प्रभाव ही ऐसा था जिस प्रकार मीराबाई की हमने सत्य घटना को सुना है, यह उसी की भांति हो गया था। प्रेम योगिनी मीरा ने कितने दर्द भरे स्वर में गाया था, हेरी मैं तो दर्द दीवाणी, मेरो दर्द न जाने कोय। वह तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी, विरह व्यथा से व्याकुल थी और उसके आत्मीय स्वजन अपने धर्म में मस्त थे। वे उसके दर्द के मर्म को भला कैसे समझ सकते थे, उन्हें तो उसकी सारी हरकत ही उल्टी दिखती थी और वे उसके साथ उसके उल्टे जीवन को सुधारने के लिए उस पर जुल्म ढाते थे। बिल्कुल इसी तरह इस बालक के साथ हुआ था। प्यारे भाई बहनों, धन्य हैं वो लोग इस लौकिक जगत में जिन्हें इस भौतिक शरीर के साथ ही अपने प्राण प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं और माता राधा रानी जी की शरण प्राप्त होती है। अगले किसी वीडियो में किसी नई सत्य घटना के साथ जो होगी दिल दहला देने वाली, मैं फिर से उपस्थित रहूंगा। तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे और रेगुल सरकार के सीचड़ों में सिर रखकर क्षमा चाहता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।